महाराज, श्री जगदीश जी महाराज, श्री राधेश्याम जी महाराज और श्री जयराम जी महाराज, आपको मेरी ओर से और दिल से प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री चौधरी साहब, सांसद हमारे बागेश्वर क्षेत्र के श्री कर्नल सोनाराम जी, सांसद हमारे राज्यसभा के श्री रामनारायण जी पुरी साहब, इस क्षेत्र के स्थानीय और नागरिक विधायक श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे अमराराम साहब, श्री भैराराम जी सियोर साहब, श्री लालूलाल जी बिश्नोई जी और हमारे साथ में गोयल साहब, विधायक गण और हमारे छोटू सिंह जी, प्रियंका जी, कैलाश चौधरी, हमीर सिंह जी, तरुण राय जी, कान सिंह साहब, जालिम सिंह जी, अशर सिंह जी, सब मंच कर पे के ऊपर उपस्थित सब लोग, उनको सबको मेरा प्रणाम। और आप सब यहां उपस्थित हो मुझे बहुत अच्छा लगा। खेतासर जी, सब के सब यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगी, सम्मानित मंच, आज खेमा बाबा के मंदिर के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। अरणेश्वर धाम बायचू चिमनजी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे चला के आपके इस भव्य कार्यक्रम के अंदर बुलाया। मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। और इसी के साथ सब महिला गण जिन्होंने माला पहनाने का काम किया, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और उपस्थित मेरे सब बुजुर्गण भाइयों, माताएं बहनें, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में सिद्ध श्री खेमा बाबा को सबसे पहले मैं यहां शत शत नमन करना चाहती हूं। इनने अपने प्राण प्रतिष्ठा सम्मेलन के अंदर आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि आपने मुझे यहां बुलाया। अभी कैलाश जी बता रहे थे मुझे कि गांव से 5 किलोमीटर चल के, जब बाबा ने कहा आपके दमे की बीमारी है और दमे की बीमारी को अगर ठीक करना चाहते हो तो जहां तक तुम्हारी सांस फूलती नहीं है वहां तक तुम पैदल चलो, और वहां आपको पेड़ मिलेगा, उस पेड़ अरना के पेड़ में आते हो तो वहां आप उसकी परिक्रमा करके उसके ढाई पत्ते का भोग लो, और तुम्हारी अगर वाकई में श्रद्धा है तो ठीक हो जाओगे। वो ठीक हो गए। श्रद्धा तो क्यों नहीं होगी इस खेमा बाबा के इस मंदिर के अंदर, इन्हें मैं तो ये देख रही हूं कि महान संत जिनकी पूजा खाली बायतू और बाड़मेर के अंदर ही नहीं है परंतु पूरे मावा गुजरात तक नाम है, कोई छोटा संत नहीं। इन्होंने इनकी समाधि के ऊपर एक बहुत भव्य मंदिर, मैं अभी इनको सबको कह रही थी, मैंने कहां इतनी दूर जगह के अंदर आप लोगों ने सामग्री इकट्ठा करके गांव वालों ने मिलके सबके मेहनत के साथ आप लोगों ने इतना भव्य मंदिर खड़ा किया है, ये तो ईश्वर की देन है कि उन्होंने आप लोग सबके हाथों को मजबूत किया है कि आप यहां तक पहुंच पाए। इसलिए आज भामाशाह, सब भामाशाहों को किसी ने 71 लाख रुपए दिए हैं, 77 लाख दिए हैं, किसी ने 22 लाख रुपए दिए हैं, किसने सब कुछ पूरी अपनी जमीन बेच के सब पैसे दिए हैं। ऐसा गांव जिन्होंने चल के इतनी मेहनत ही नहीं, इतना मैंने भाव रखे इतना बड़ा काम किया है, वो आप सब देख सकते हो कि कितना सुंदर और भव्य मंदिर वहां बना है। बायतू में ही नहीं, पूरे आपके ये मालानी क्षेत्र के गांव गांव में इनका आराधना स्थल और मंदिर अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। मैं पूछ रही थी तो उन्होंने कहा यहां भी है आपके बायतू चिमन जी के अलावा पालरिया धाम, चारलाई कला, रावतसर, छोटू, धाना दोरा, रतेयू, ओआ गुआ की होली, जानियों की ढाणी, भगत की कोटी, सब दूर पे बाबा के बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बने। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि आज हम जो भी सब कुछ हैं वो हमारे संत महात्मा और हमारे ये सिद्ध बाबाओं की वजह से हम यहां आप और हम यहां बैठे हुए हैं। आज हमको जो भी मिला है, मैं कहती हूं कि मैं इस पद तक पहुंची हूं, तो अगर हमारे सब
नहीं होते, अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता और उनका हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद नहीं होता तो आपको लगता है कि कोई अकेले यहां खड़ा हो सकता है। मैं इस भव्य रूप को, क्योंकि एक किस्म से मंदिर तो आप लोग बना लेते हो, बात तो सही है, परंतु उसके साथ साथ जनता जनार्दन भी अपने आज के जमाने में एक एक ईश्वर का रूप है। और मैं ये मानती हूं कि कुछ लोग तो मंदिर के दर्शन करके वहां पुजारी बनते हैं और कुछ लोग जनता के दर्शन होकर के उनके पुजारी बनते हैं। तो ये स्वागत, ये सौभाग्य आप लोगों ने हमको दिया है आज पुजारी के रूप में आप लोगों की सेवा करने के लिए हम सब यहां खड़े हैं। मैंने अभी महाराज जी मुझे कह रहे थे कि वाकई में मेहनत तो करते हो। हमने कहा महाराज इन सब ने हम पे जिम्मेदारी डाली है, इस जिम्मेदारी के अंदर हमारी ये कोशिश हो रही है कि 12 घंटे अगर काम कर सको, नहीं तो 24 घंटे अगर काम कर सको, इनके जो सपने हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज या बाईटू पहुंच के सब लोगों ने अपने प्यार की एक चुनरी मुझे पहनाई और मेरे को यह कहा कि इस चीज की, इस चुनरी के विश्वास को आप कायम रखने की कोशिश करना। मैं आप सबको यह कहना चाहती हूं कि आपने मुझे कहने की जरूरत ही नहीं थी, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करती हूं। आपने ये चुनरी जरूर पहनाई है, इस चुनरी की इज्जत और लाश को बनाए रखने का काम हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर हम सबको इस काम में शक्ति दे। मैं अभी भाई से बात ही कर रही थी तो मैंने ये कहा कि खाली धर्मशाला नहीं, आप लोगों ने जो यहां बनाया है गोगा मेली, इस मंदिर के पीछे पीछे ये गोगा मेली की मूर्ति है और मेरे को उन लोगों ने यह बताया कि कितने सुंदर तरीके से वो मूर्ति बनाई गई है कि वहां खिड़की है तो अगर मंदिर से देखोगे तो आप तो एक तो खेमा बाबा की मूर्ति को भी देखोगे, उसके पीछे गोगा मेले की मूर्ति देखोगे और उसके एग्जैक्ट पीछे आपको अनार पेड़ भी मिलेगा। मैंने अभी अभी 2-2.5 पत्ते मैंने भी खाए हैं, वैसे मेरे को बीमारी नहीं है परंतु मेरा विश्वास है कि कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैंने ये पत्ते तो खा ही लिए हैं। तो ईश्वर 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 आशीर्वाद देगा और ये दमे की बीमारी हमें नहीं होगी, है ना भाई? मैंने पहले से ही कह दिया कि आप मेरे को पहले ही दे दो। आज आप सब लोगों को मैं कहना चाहती हूं कि कोई भी सांस की बीमारी रखता है तो आपके पास तो यहां रामबाण रखा हुआ है और आप लोगों को चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं। बस एक चीज मैं आप लोगों को यह कहना चाहूं, आजकल की दुनिया के अंदर मैंने देखा है कि लोग बड़ी जल्दी में है और जल्दी में ही नहीं है, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत रखते नहीं। एक जमाना था जब पूरा समाज एक दूसरे की ओर देखता था, प्यार से देखता था, दूसरे समाज को संभालता था, दूसरे समाज हमको संभालते थे। आजकल की दुनिया में इतनी जल्दीबाजी हो गई है कि हमने ये सोच लिया है कि जल्दी जल्दी अपना काम करो, आजू बाजू कौन है उसकी तरफ अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं मुरारी बापू जी की महाराज जी बात उनका प्रवचन सुनने गई थी और मुरारी बापू जी ने अपने दीवार के ऊपर बहुत सारे पोस्टर लगा के रखे थे कि जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हो तो मुस्कुरा के मिलो, या दिन में कभी किसी से मिलते हो तो एक दफा मुस्कुरा के मिलो। मैं समझ नहीं पाई थी तो महाराज ने कहा कि आप जब बाहर जाते हो कभी तो एक दूसरे की तरफ देखो और देख के जिसकी तरफ आप देख रहे हो उसकी तरफ मुस्कुरा दो। तो मैंने भी कोशिश की और मैंने यह देखा कि मैंने जब कभी किसी की ओर मुस्कुराया तो उसको एक मिनट के लिए लगा के किसी और की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। तो पहले इधर उधर घूम के देखा कि किस तरफ किसको मुस्कुरा रहे हैं, फिर जब मैं कहूं कि तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा रहे तो बहुत जोर से वो भी मुस्कुरा दे। मैंने कहा कि 5 ऐसे अगर रोज दिन में हम लोग सब कर देते हैं तो समझो कितनी खुशियां चारों ओर फैल जाएंगी और कितना छोटा मामला है, इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, 1 रुपया नहीं लगता है। मैंने कहा इस दफा करिए। और दूसरा, गाय का हम लोगों को मिलकर संभाल करने की जरूरत है। मैं सब लोगों को यही कहा है कि यह सरकार पैसे तो गौशालाओं को और गायों को, छोटे गायों को, बीमार गायों को देने का करेगी, परंतु तो आप लोग सबसे मेरा यह कहना है कि अपनी गाय की सेवा एक हो दो हो उसको संभालने का काम खुद करो। अगर पुण्य मिलना है तो हमको अपनी गाय की सेवा करनी है। ऐसा अपन नहीं कर सकते कि हमारी गाय की कुछ दिन तक सेवा करो जब तक दूध रहा है
और जब वो दूध नहीं है तो उसको छोड़ दो, कोई और उसकी सेवा करें। ये हम लोग को ध्यान देना है कि पुण्य अपने जीवन में लाना है तो अपनी गाय की सेवा तो हमें खुद को करने की कोशिश। अब आपके कैलाश जी ने मेरे को दो तीन काम बताया है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे ये काम अगर हो जाते हैं तो खेमा बाबा के लिए तो आप आए हो दर्शन करने के लिए, परंतु खेमा बाबा के साथ साथ जिस जनता जनार्दन के दर्शन करने आए हो वो भी खुश होकर चले जाएंगे। तो कुछ कुछ बातें उसने मेरे को बताई, वो कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो रोड की बात उसने मेरे को कही। मैंने कहा उनको कि रोडों की बात के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, मैं ये बताना चाहती हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रास्ते अगर कहीं बन रहे हैं तो वो हमारे इस बाड़मेर क्षेत्र के अंदर बन रहे हैं। और मैं आज ये कहना चाहती हूं, मैं वही बताऊंगी आपको जो बड़े बड़े हैं, वैसे तो छोटे छोटे आपके गौरव पथ और शहर के गौरव पथ और गांव के गौरव पथ और आपके जो जोड़ने वाले रस्ते हैं वो सब तो हो रहे हैं, परंतु तो बड़े बड़े दो तीन मैं कर रहे हैं जिसके काम चल रहे हैं वो है NH 112 जो जोधपुर और पचपदरा सड़क है, दो लेन का है, वो 2017 के प्रगति पर है और इसी साल में खत्म हो जाएगा। वो 307 करोड़ रुपया खर्चा इसके ऊपर हो रहा है और मैं मानती हूं कि एक बहुत अच्छा सड़क आपके लिए बन के खड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से NH 112 बाड़मेर बागुंडी सड़क, ये भी 4 लेन और आपके 74 किलोमीटर लंबा और 167 करोड़ रुपए का उत्तरलाई बाईपास का निर्माण होगा, ये भी कार्य प्रगति पर है और अप्रैल 2017 तक ये पूरा हो जाएगा। NH 15 बाड़मेर से जैसलमेर तक सड़क, ये भी 131 किलोमीटर ये समझो 132 किलोमीटर लंबा है और इसमें से 63 किलोमीटर बाड़मेर के अंदर है और इसमें दो मैंने यही समझो 300 करोड़ 298 करोड़ है पर 300 करोड़ आपके क्षेत्र के अंदर लग जाएंगे और ये फरवरी 2018 तक कंप्लीट हो जाएगा तो इसका फायदा आप लोग सबको मिल जाएगा। NH 15 बाड़मेर जो सांचौर गुजरात सीमा तक सड़क विकास कार्य कुल लंबाई जो है वो 106 किलोमीटर की है और इसमें 345 करोड़ रुपए वो फरवरी 2018 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं लास्ट तक रख रही हूं, आप देखती हूं मैं कितना धैर्य है। बाड़मेर सिंदरी जालो, ये जो आपका बाड़मेर चवा सिंदरी जीवाना सायला जालो, ये राज्य सरकार 80 करोड़ रुपया दे रही है, वर्क ऑर्डर इसका ऑलरेडी हो चुका है, नींव इसकी पड़ चुकी और अगर ये कार्य आप नहीं करते ना आज तो इसका पत्थर आज हम लोग सब मिलकर लगाते। 320 करोड़ रुपया 148 किलोमीटर लंबा ये हम चालू बहुत जल्दी कर देंगे। और नव घोषित आपका एक और है सिवाना जालोर और सालेराव, 7 किलोमीटर आपका इसका बाड़मेर के अंदर है, अप्रैल के महीने में इसके टेंडर हो जाएंगे और आपका काम चालू हो जाएगा। मैं चवा ये भी है करना ही है क्योंकि इतना बड़ा रोड हो गया है, इनको तो कोई इनको कोई बोल नहीं रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए की बात हो गई है तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो शायद जरूरी है क्या है जरूरी। तो चवा फलसून पोखरण मैं तो कह रही हूं नाचना तक अगर हो सके तो नेशनल हाईवे को बॉर्डर रोड के पे इसकी हम आपको वहां मंजूरी दिलवा के इसका काम भी चालू करवा देंगे। अब आई हुई बात, इतना सारा काम हो गया, मैं तो समझ लू कि 1000 करोड़ का तो यही आपके सामने काम हो गया है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि PMGSY के अंदर 153 सड़कें आपके पूरे इसके क्षेत्र के अंदर बन रही है जो आज तक कभी नहीं हुआ है भाइयों, आज दिन तक कभी नहीं हुआ। और मैं इसको मानती हूं कि आप दोनों तरफ से जुड़ने वाली बात है तो ये 153 नहीं बनते हैं, ये 100 करोड़ इसको कितना होता है 306 ऐसे गांव बन जाते हैं दोनों तरफ से आप जोड़ने की बात करते हो। बड़ी सड़कें बॉर्डर की सड़कें और हर ढाणी को जोड़ने का काम अब हम लोग ये काम कर रहे हैं और मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ा काम है जिसका फायदा आप लोग सबको मिलेगा। अब भारतमाला के अंदर जिसका DPR हम लोग बना रहे हैं, सुनो इसको कि ये भी आपका फायदा है, मुनाबाओ सुंदरा ये क्या म्यासलाल
धनाना आशुतान घोटरू तानो किशनगढ़ इंडो पाक बॉर्डर पर आपके 275 किलोमीटर 1375 करोड़ रुपया आप लोगों का इसमें लगने वाला है। इसी तरीके से गागरिया बावड़ी कला सेदवा लगनासर और भाकासर ये भी बॉर्डर ये 125 किलोमीटर और 625 करोड़ रुपया आप गिनती कर रहे हो कोई तो आपको समझ में आ जाएगी कि कितने करोड़ रुपया है। और मैंने ये कह दिया कि सब काम आपके जो भी हैं कुछ तो इस साल में कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ अगले साल तक जरूर कंप्लीट हो ही जाएंगे। अब मैं कैलाश जी आपको एक बड़ी लिस्ट पकड़ा रही हूं, ये लिस्ट मैं इसलिए पकड़ा रही हूं क्योंकि मैं खुद इस पूरे को नहीं कर सकती, मैंने यहां पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सब बोर हो जाएंगे, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाड़मेर के अंदर 8500 करोड़ रुपया 3 साल के अंदर खर्च हो गए हैं और इतने ज्यादा खर्च होने की तैयारी में है। ये पूरा इरादा ये 3 वर्ष बाड़मेर के अंदर जो काम हुए हैं और जो अभी हो रहे हैं वो आपको पकड़ा रही हूं। आप मेहरबानी करके अखबारों के अंदर इसको लिखवा दीजिए ताकि पूरी बाड़मेर की जनता को यह समझ में आ जाएगी कि आपने इस क्षेत्र के अंदर कितने जोरदार और कितने अच्छे काम किए हैं। मैं स्कूल की बात नहीं कर रही हूं, सब उसमें लिखा हुआ है स्कूल। हाँ एक चीज में थोड़ा सा हम लोग अभी मैं उन लोगों के पीछे पड़ी हूं क्योंकि पुराने सरकार के टाइम से कुछ ऐसे ठेकेदारों को ठेके दे रखे थे जिन ठेकों को मैंने सोचा कि मैं अगर खत्म कर देती हूं तो फिर दूसरे ठेके को करने में कितना समय लगेगा और मालूम नहीं पहुंच पाएगा कि नहीं, इसलिए इन्हीं ठेकेदारों के पीछे पड़ पड़ के उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। तो इसमें आपको वो भी मिलेंगे, हमारी कोशिश है कि मैं बुला के उनसे बात करके ये सब पूरे काम करने की कोशिश करूं। अगर आपको इसका ही बताना चाहती हूं कि आप ही हमारे सब कुछ हो, ये मेरा परिवार है और इस परिवार ने बहुत कुछ प्यार दिया है, सब कुछ दिया है। मैं तो ये कहती हूं कि जब तक आपका प्यार है जब तक आपका आशीर्वाद है हमारे लिए सब कुछ है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आशीर्वाद देते रहो, साथ बने रहो और हमें दौड़ाते रहो, हम काम करने में पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं। बस इतना ही है कि ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे और संत महात्मा हमारे पीछे खड़े रहे। बता दो महाराज जी आपका आशीर्वाद और इधर वालों का सबका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद बना रहेगा और हमारे ये साथ देवता रूपी जनता के सामने बैठी है इनका साथ हमको मिलता रहेगा तो यहां कोई कमी नहीं होगी। और आज एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लगाएंगे, खेमा बाबा की जोर से, खेमा बाबा की। मुझे विश्वास है कि इस भव्य मंदिर का जो काम आप लोगों ने सबने मिलकर किया है इसका आशीर्वाद आप लोग सबको मिलेगा और जब इनका आशीर्वाद मिलता है तो कोई अंत ही नहीं है, जो आपके काम है वो धीरे 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 आपको दिखने को आएगा, सब कंप्लीट हो ही जाएंगे। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा आपको धन्यवाद कि ऐसे बहुत ही भव्य और सुंदर मौके पर आपने मुझे यहां बुलाया। पद्मों को बनाए पद्म की ही ताल से, खेल ले हर छोटा हो साधना की भाव से, मैं यहाँ मंच से स्वागत करना चाहूंगा बाड़मेर जिले में हर सामाजिक कार्य में गांव के लिए अग्रणी रहने वाले आदरणीय लवर किशोर जी गोदारा, जो समाज से लिए और विशेष रूप से सामाजिक मौकों पर अपनी शुरू किया जिसका नाम था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इस योजना के द्वारा जगह जगह पे सारे मैंने आप समझो पिछले साल 1 लाख ऐसे फार्म पॉन्ड टैंक वगैरह हम लोगों ने बनाए जिसमें भगवान की दया से पानी आया और भरा और इसकी वजह से इस साल हम लोग 4200 गांव में ये काम करा रहे हैं जिसमें करीब 1.5 लाख ऐसे टैंक बनेंगे जिसमें फिर से पानी को हम लोग भरने की और स्टोर करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आजकल हम लोग टेल एंड पे हैं, मध्य प्रदेश के टेल में, गुजरात के टेल में, पंजाब के टेल में और हरियाणा के टेल में, सबसे टेल में हम लोग हैं और हम लोगों को सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग ये सब काम कर लेते हो, हम मिलके मंदिर मिलके संत महात्माओं के आशीर्वाद से ट्रस्ट के लोग इसमें जुड़े, पुलिस वाले जुड़े, आर्मी वाले जुड़े जैसे पिछले साल जुड़ा था, तो मैं विश्वास ये करती हूँ कि अच्छी तरीके से वो पॉइंट बन जाएंगे
और साथ ही जो जमीन के अंदर पानी चला गया है वो पानी ऊपर आ जाएगा, इसका फायदा हम लोग सबको मिलेगा। ये एरिया आपका डार्क जोन है, मेरे को ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं डार्क जोन है, हम क्या करें। मैंने कहा दो तरफ से काम होगा, अगर आप लोग मिलके ये टैंक्स बना के ये ग्राउंड वाटर के लेवल को ऊपर करने का काम करते हो तो मैं दिल्ली की सरकार को चिट्ठी लिख के ये कहूंगी कि इसको डार्क जोन में से निकालने का काम करें। तो इसमें अगर है, अगर हम लोगों को भी मेहनत करनी है, आप याद रखना दोनों तरफ से है काम। मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगी परंतु आप ये बनवाएं और इसका जो आपका नीचे का पानी है उसको ऊपर लाने की कोशिश करें। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।